नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और गांधी के बीच में जो करार हुआ उसे हम पुणे करार कहते हैं। आखिरकार पुणे करार क्यों हुआ, क्या वजह है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को पुणे करार पे सही करनी पड़ी, क्या वजह है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मजबूरन होकर पुणे करार पे हस्ताक्षर करने पड़े, और जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने गोलमेज परिषद से जो दलितों के लिए जो अधिकार लाए थे उनके विरोध में गांधी अनशन पर बैठे और बाबा साहेब अम्बेडकर को मजबूर होकर पुणे करार पे हस्ताक्षर करनी पड़ी। तो मैं हूँ रमेश रामटेके और आरआर मीडिया में आपका स्वागत है। 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और गांधी के बीच में जो करार हुआ उसे हम पुणे करार कहते हैं, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने गोलमेज परिषद से जो दलितों के लिए अधिकार लाए उनका विरोध गांधी ने शुरू किया, और गांधी आमरण अनशन पर बैठे। गांधी क्यों विरोध करना चाहते थे, क्योंकि अगर दलितों को स्वतंत्र मतदार संघ मिलता है तो हिंदुओं का विघटन होगा, यह कारण गांधी ने आमरण अनशन बैठने का इरादा किया। और जिस तरह से 24 सितंबर को पुणे करार कहते हैं उसे धिक्कार दिवस भी मनाते हैं। गांधी का कहना यह है कि दलित मतदार संघ से हिंदुओं का विघटन होगा, और तब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को धमकियां मिलने लगी, दलितों के घर जलाना शुरू हुए और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मजबूर होकर पुणे करार में हस्ताक्षर करने पड़े। और जिस तरह से गांधी ने दलितों का अधिकार छीने, इसे पुणे करार से दलितों के गांधी ने अधिकार छीने, वो अधिकार कौन से है, तो स्वतंत्र मतदार संघ यानी जो दलितों का स्वतंत्र मतदार संघ है वो पुणे करार की वजह से नहीं मिला। डबल वोट देने का अधिकार वो भी पुणे करार की वजह से वो दलितों का अधिकार छीन लिया, और एससी एसटी के लोकसंख्या के आधार पर उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला। यह पुणे करार की वजह से गांधी ने यह दलितों के अधिकार छीन लिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं पुणे करार के बारे में, कहते हैं पुणे पैक्ट ने हमारे लोगों को मताधिकार से वंचित रखा, हम जिसे चुनना चाहते थे उसे हम चुन नहीं सकते, और जिसे हम चुनना नहीं चाहते वही हमारा प्रतिनिधि बन जाता है। दोस्तों, इस तरह से महात्मा गांधी ने पुणे करार अनशन पे बैठकर पुणे करार पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मजबूर होकर सही देनी पड़ी और दलितों के अधिकार छीन लिए। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो नमो बुद्धाय, जय भीम।